बिल्कुल जी, असं हूँ दाता साहब पहुँच गए हाँ, तो इंशाला अंदरों जाके व्यू चेक कराने हैं, तो इंशाला एक रूहानी सुकून मिलसी तुसा की, और बहुत ही जबरदस्त किस्म का सुकून मिलसी इंशाला। तो इस तू बाद अगर चलने अस गाजी इलमदीन शहीद अहमदुल्ला अलैह मज़ार है, जो तक ही सकने पहुँच चुके हैं, तो इतने दुआ कर सफेदया पढ़ सा, तो अगे फिर निकल के इंशाला अगला जरा कबर है अहमद अली लाहौरी रहमतुल्ला अलैह उसनी भी तुम जियारत कराने, तो इंशाला वीडियो में सारा डिटेल तुसांगी मिलसी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं तो बाबू कासम जहाँ तक अपना यूट्यूब चैनल टॉप रियल पाकिस्तान। मैं उम्मीद करना सारे भैन भरा बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश हसन ये बिल्कुल। आज अस मौजूद हाँ दाता साहब, तो इंशाल्लाह तुसांगी दाता साहब ना सारा जियारत करा सा, तो उस तो बाद गाजी इलमदीन शहीद रहमतुल्ला अलैह कबर तक जा सा, उस तो बाद मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्ला अलैह कबर तक जा सा, तो नाल थोड़ी बहुत हिस्ट्री बना दसा। तो चैनल सबसक्राइब करना ना भुले, इन्हें चैनल सबसक्राइब नहीं किया और बराए मेहरबानी चैनल सबसक्राइब करके नो तो तकने। बिल्कुल असा हूँ दाता साहब पहुँच चुके हैं, तो सामने तक मनाजर नज़र अचने सन, गंज बख्श फैज आलम मज़र नूरे खुदा नाकसा रा पीर कामल कामला रा रहनमा माशाला जी। हूँ अस अंदर जुले हाँ, अंदर जाके तुसा की इंशाला जियारत करा सा, और उतें जाके असा कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी, सारी लाइव हो सकती। तो सामने तक सकते हो काफ़ी ज़्यादा जाहिर जो पैसे सकते हैं कीमत मान जो इसमें मिला पैसे दे सकते हैं। बिल्कुल जी, असा हूँ मस्जिद ने थले हिस्से आ गए, जड़ा थले बेसमेंट है, तो इतने वजू करने ने बाकी लंगर तकसीम करने और जितनी चीज़ा हम सब पर चढ़ने पे इतों, तो इंशाल्लाह पर मस्जिद जाकर वापस बाहर चले हैं, तो तुम तकने वीडियो। बिल्कुल जी, असा पहुँचे हैं माशाल्लाह गाजी इलमदीन शहीद रहमतुल्ला अलैह सच्चे आशिक रसूल, जिन्हें साबित किया अपनी जान दे के इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जान नहीं, कोई अहमियत नहीं है। बिल्कुल गाजी इलमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह 3 दिसंबर 1908 लाहौर पैदा हुए। इन्होंने वालद एक लकड़ी ने तरखान जिसकी आखने लकड़ी ना काम करने से इब्तदाई तलीम ने अपने महल्ले च मस्जिद च और मदरसे च हासिल की। तलीम चु बाद अपने वालद ने पेशा अख्तियार किया। फिर उस तो बाद क्वाट चले गए। इन्होंने जोड़ा पिछा शजरा नसब से पहले इन्होंने खानदान जो बड़ा बजुर्ग से वो सिख कम्यूनिटी तलक से। उस तो बाद बादशाह जहांगीर ने दौर औलिया अल्लाह ने सोहबत अख्तियार की और उत्थे दीन इस्लाम कबूल किया। इंडिया ने एक पब्लिशर से पाक हिंद जोड़ा पब्लिशर से मालून राजपाल सिख नबी पाक सलम ने गुस्ताखी किताब शाया की जिसनी वजह तो मुसलमान शदीद गम गुस्सा पाया गया। तो अंग्रेज़ा केस भी किया मगर अंग्रेज़ा उसकी तहफ़ दिता। उस तो बाद उसने तो मुसलमान काफ़ी अटैक किए जिसने जो बच गया। गाजी इलमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपनी जिंदगी ने मकसद बना दिया कि उसकी ख़त्म करना, लिहाजा उसने पीछा किया और उसने पीछा करके 29 अप्रैल 1929 कि राजपाल ने दुकान तक गए उसकी दस्या ने कि तू गलत काम किया, माफ़ी मांग ते सारा अपना जो तू पब्लिशर की है किताब जी तू शाया की है इसकी ख़त्म कर। उस ख़त्म करने में चाहे और बकवास किए तो गाजी इलमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह गुस्से भी आए सच्चे आशिक रसूल सन उन्हें छुरी ने वार करके उसकी जन्म भेज छोड़िया। उस तो बाद इन्हें उत्थे ही अपनी गिरफ्तारी दी। इन्हें नसने भजने की कोशिश बिल्कुल नहीं की और सच्चा आशिक उन्हें ना सबूत दिता और 21 अक्टूबर 1929 अंग्रेज़ों ने सजाए मौत दे छड़ी। जिन्हें काफ़ी अपीला करने के बावजूद फिर भी अंग्रेज़ों ने मिली भगत नाल वह सजा कायम रही है तो उन्होंने सजाए मौत दी गई और इन्हें की लाहौर ने म्याणी कब्रस्तान दफनाया गया। माशाल्लाह सुभान बिल्कुल यहाँ पहुँच चुके हैं। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र तो यह भी म्याणी कब्रस्तान लाहौरी वाक़ इन्हें कब्र शरीफ और यह बिल्कुल सादा हालत है इसकी कोई पक्का नहीं किया गया और बिल्कुल सिर्फ दरख्त दो लगे दरेट ने दाएँ बाएँ और इन्होंने नाल इन्होंने दोस्त अजीज़ो कारब उन्होंने कब्रों को हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह 13/04/25 मई 1887 ईस्वी की कखड़ मंडी ना कस्बा वै जलाल उसने पैदा हुए। उस तो बाद इन्हें अपनी तलीम ना आगाज हज़रत मौलाना अबैदुल्ला सिंधी ने सोहबत इख्तियार की और इन्हें अपनी जिंदगी विच कुरान की तफसीर लिखी कुरान का तर्जमा किया और इन्हें 14 हज उम्र ने शहादत हासिल की और उस तो बाद इन्हें दीन इस्लाम ने खिदमत शुरू की। उसने वास्ते काबल भी गए पहले सिंध च शुरू की फिर काबल भी गए ज्यों ज्यों जिधर इस्लाम ना गलबा होना गया उधर अपना सफ़र करने रहे और इन्हें अपनी जिंदगी विच इतनी इबादत की कि अल्लाह ताला ना शुक्रिया अदा किया। इतना अल्लाह ताला ने इन्हें पर करम होया। आप फरमाया करने सन कि अगर माड़ा एक पैर रेलगाड़ी ने अपर है दूसरा प्लेटफार्म तो है तो माड़े को कोई पूछे कि कुरान पाक ना खुलासा तो तुसा आख्या कि मैं सुनाइए आखना वा कि अल्लाह ताला की राजी करो उसकी इबादत ने जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राजी करो इतात ने जरिए साहबा की राजी करो मोहब्बत ने जरिए मखलूक की राजी करो खिदमत ने जरिए। माशाल्लाह जी इन्होंने एक कौल सी और ये 17 रमज़ान अल मुबारक 1300 83 फरवरी 1962 आपनी वफात हुई और 24 फरवरी म्याणी कब्रस्तान लाहौर तदफीन हुई। बिल्कुल इन्होंने जिंदा मौजदा है कि इन्होंने कब्र जो खुशबू आई है उसकी बहुत लोगों ने आपो खुद जाकर उतर उसकी महसूस किया और अंग्रेज़ इसने रिसर्च की है और अंग्रेज़ रिसर्च करने तो बाद इस नतीजे तक पहुँचा कि ये इस दुनिया की खुशबू नहीं है कोई अजीब खुशबू है तो इतों पता ही चलना कि अल्लाह ताला ने जन्नत की खुशबू इन्होंने कब्र विच पैदा की है ते और इन्होंने ये खास करामात है और दीन और इस्लाम की खिदमत ने ये बस अल्लाह ताला ने इन्होंने कब्र चु खुशबू ना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके ना और बेल आइकन प्रेस करके ना। शुक्रिया।